मध्य प्रदेश के रतलाम जिला अध्यक्ष राजेश भरावा और जिला पंचायत उपाध्यक्ष डीपी धाकड़ के खिलाफ अब कांग्रेसियों का खुलकर विरोध सामने आ रहा है। विधानसभा चुनाव से लेकर सरकार गठन के पश्चात लगातार इन दोनों नेताओं पर कांग्रेसियों के द्वारा गुटबाजी को हवा देना एक उभरते कांग्रेसियों को दबाने का आरोप लगता रहा है। इसकी वानगी एक बार पुनः प्रभारी मंत्री के सामने देखने में आई, जब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पूर्व विधायक लक्ष्मी देवी खराड़ी ने प्रभारी मंत्री सचिन यादव के सामने जमकर राजेश भरावा एवं डीपी धाकड़ का विरोध किया तथा उनको तत्काल हटाने की मांग करते हुए आरोप लगाए, अगर इनको नहीं हटाया गया तो रतलाम जिले से कांग्रेस खत्म हो जाएगी। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भी आपसी गुटबाजी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ताजा मामला रतलाम जिले के नामली का है, जहां कांग्रेस के पूर्व नगर अध्यक्ष के पुत्र ने जिला अध्यक्ष के इशारे पर उनकी खाद बीज की दुकान पर कार्यवाही करने के आरोप कृषि मंत्री को लगाए और जिला अध्यक्ष को हटाने की मांग करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। मध्य प्रदेश सरकार यूरिया खाद की कालाबाजारी व किल्लत से परेशान किसानों के हित में कमलनाथ सरकार ने अवैध खाद भंडारण पर कार्यवाही के बयानों के बाद हरकत में आया। कृषि विभाग लगातार रतलाम जिले में जांच टीम बनाकर निरीक्षण कर रहा है। वहीं विगत दिनों नामली में अवैध खाद भंडारण को लेकर एक FIR भी दर्ज हुई, जिसे लेकर आज प्रभारी मंत्री को कांग्रेस के पूर्व रतलाम ग्रामीण विधायक व नामली नगर परिषद के कांग्रेस अध्यक्ष रहे राधेश्याम परिहार के पुत्र सहित कई कांग्रेसियों ने प्रभारी मंत्री को घेर लिया और खाद भंडारण नामली के संस्था एग्रो एजेंसी पर गोडाउन पर हुई कार्यवाही को अवैध करार दिया, जिसे सुनाते हुए परिहार के आंसू तक छलक उठे। उन्होंने प्रभारी मंत्री को उनके पिता के कार्यकाल का फोटो भी दिखाया और यह भी कहा कि हम विगत 40 वर्षों से कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं। उन्होंने कहा, भाजपा के 15 साल की सरकार में एक भी कार्यवाही या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। यदि कांग्रेस के सरकार होते हुए भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के ऊपर प्रकरण दर्ज होंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। परिहार ने यहाँ तक कह दिया कि यदि मेरा बिना बिल का माल हो तो फांसी पर लटका दो। उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस अध्यक्ष राजेश भरावा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने राजनीतिक द्वेषतापूर्ण के तहत उनके इशारों पर कार्यवाही की गई। पूर्व ग्रामीण विधायक लक्ष्मी देवी खराड़ी ने कहा, यदि इस मामले में उचित कार्यवाही नहीं हुई तो हम इस पूरे मामले को भोपाल मुख्यमंत्री तक ले जाएंगे। रतलाम से राहुल बैरागी की रिपोर्ट। इतने लोग, इतने रतलाम में जिले में दुकानें हैं, मेरे एक नाम कैसे आया, क्यों आया, किस प्रकार से आया? क्योंकि व्यक्तिगत द्वेषता के अंतर ये काम हुआ, क्योंकि मैं चुनाव के अंदर मैं भी लड़ा, ये भी लड़े, व्यक्तिगत द्वेषता के अंदर हमारा अध्यक्ष जी ने काम करवाया है। ये मेरा आरोप है, इसमें मेरा आरोप है इसके ऊपर कि ये जो है व्यक्तिगत द्वेषता मेरे साथ में निकाली गई है। मेरा पूरे रतलाम जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर पूरे छवि है, सब लोग मुझे जानते, परिवार का दबे साहब वगैरह के साथ काम किया मैंने, ये जो है मेरे ऊपर लगाया, मुझे लांछन है। मुझे इस बात का दुख है कि मुझे इतने कर्म निष्ठ और नगर पालिका चलाए, पंचायत चलाए, चार पैसे का दामन पे दाग नहीं, और आज इनके लोगों के दामन पे दाग है, वे नेता बन के बैठे हैं। सब मेरा ये कहना है कि नामली नगर में है और अगर विगत में 25 साल से मेरी दुकान चला रहा हूँ और संपूर्ण क्षेत्र में हम इस चीज़ को देख रहे हैं, कहीं ऐसी जिले भर में कार्रवाई नहीं हुई। नामली नगर में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये कार्रवाई की गई? आज हमारे साथ में मेरे पिता सन 1970 से कांग्रेस की सेवा करें, लक्ष्मी खराड़ी देवी खराड़ी जी विधायक महोदय, प्रभु सेठ जी राय पूर्व जिलाध्यक्ष महोदय, चंद्र जी शंकर जी, सब लोग, पूरा क्षेत्र नामली का 52 गांव का 1-1 बच्चा कह सकता है कि मेरा परिवार किस प्रकार से निष्ठावान और किस ईमानदारी के साथ में व्यापार व्यवसाय करता है। मैं जब जिला पंचायत में अध्यक्ष थे, दवे साहब मंत्री था, जब से मैं राधे श्याम जी परिहार के यहाँ बैठ कर चाय नाश्ता करना, कांग्रेस का कार्यक्रम का जो भी कुछ करना, ये पुराने कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता है कांग्रेस के, तो इनके यहाँ ऐसी घटना क्यों हुई? हम सब मिलकर भोपाल जाएंगे और अगर ऐसा हो सकता कार्रवाई हो जाए, इनका जो FIR कटी है तो वो वापस लौटा दे तो ठीक है, नहीं तो हम पूरे कार्यकर्ता मिलकर भोपाल जाएंगे और मुख्यमंत्री जी से फैसला कराएंगे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।